तो मेरे दोस्तों, तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू वीडियो है। इसमें मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ हम लोग क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इस अपकमिंग सीरीज में, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सा यूआई, ठीक है, बढ़िया ब्यूटीफुल सा। तो यह है हमारा यूआई। तो यहाँ पे अपन बैकएंड में नोड जेएस और एक्सप्रेस यूज करेंगे और अपना खुद का एक एपीआई बनाएंगे एक्सप्रेस में, और अपन डेटाबेस में डेटाबेस एज अ मोंगोडीबी यूज करेंगे, और इसमें यूजर का पासवर्ड और ईमेल सेव करेंगे, पासवर्ड की हैशिंग करेंगे और बहुत कुछ समझेंगे फंडामेंटल्स, ठीक है, जेसन वेब टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे यूजर का अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले तो अकाउंट वो क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेगा डोंट हैव अकाउंट पे, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी स्क्रीन और यहाँ पे वो यूजर एंटर करेगा abc@gmail.com, ठीक है, gmail.com, और मे भी पासवर्ड 1 2 3 4 पासवर्ड डाल रहा है, साइन अप कर रहा है, ठीक है। साइन अप करेगा तो वो अपना पासवर्ड देख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रिसोर्स है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड रिसोर्स है। तो एबीसी ईमेल, और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ डेटाबेस को तो यहाँ पे हमारे में रिकॉर्ड होगा। देखो डेटाबेस में नीचे नीचे जाएंगे तो देखो abc@gmail.com, और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड हैश्ड है, ठीक है, पासवर्ड हैश किया, ठीक है। अगर ये इस स्क्रीन से मैं डायरेक्टली बैक प्रेस करूंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा ऐप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगेन कुछ एरर्स है तो इसको मैं फिक्सअप कर लूंगा, ठीक है। अगेन लॉग आउट करता हूँ तो हमारी डायरेक्टली ये स्क्रीन आती है, अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अगेन दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, जैसे अब लॉग इन है तो इसी ईमेल पर आईडी से abc@gmail.com, और यहाँ पे 1 2 3 4 प्रेस करूंगा और लॉग इन करूंगा, ठीक है। तो इसी ईमेल आईडी पासवर्ड से हम लोग को लॉग इन होना चाहिए, तो abc@gmail.com, gmail, मिस्टेक था स्पेलिंग में, gmail.com। तो देखो लॉग इन, ठीक है। अब मैं अगर बैक प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली ऐप एग्जिट हो जाएगा, है ना, हम लोग को इसके प्रीवियस वाली स्क्रीन नहीं दिखेगी, ठीक है। ये भी अपन देखने वाले हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोजेक्ट, राइट, लॉग इन सिस्टम, साइन अप, साइन अप और लॉग इन वाले फीचर, और इसके लिए अपन यहाँ पे यहाँ पे जाके सेव हो रहे हैं रिकॉर्ड। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने सब कुछ इसमें ऑन द स्पॉट कोड किया है, तो बहुत सारे ट्रिमेंडस एरर है, बहुत सारे एरर है। सबसे पहले वीडियो तुम लोग पूरा पूरा देखना, उसके बाद कोड करना शुरू करना, क्योंकि मैं बहुत सारे एरर प्रोड्यूस करूंगा, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूंगा तो बहुत सारे एरर आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने रिएक्ट नेविगेशन का 5 वर्जन यूज किया जो कि अभी अल्फा रिलीज में, ठीक है, फ्यूचर में स्टेबल होने वाला है, तो मैंने अभी से ही 5 वर्जन इंक्लूड करके वीडियो समझा दिया ताकि फ्यूचर में तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। मैं भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ रिएक्ट नेविगेशन 5 वर्जन के ऊपर, बट या इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हाँ, तो ये था हमारी, और सबसे बड़ी बात की सीरीज में अपन एक्सपो यूज नहीं करेंगे, अपन विदाउट एक्सपो इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए तुम लोग को एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, हैवी एंड मशीन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सपो यूज करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे, लॉजिक तो सेम होता है विद एक्सपो या विदाउट एक्सपो। अपन एक्सपो सिर्फ यूज कर रहे थे डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूदर होने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग को विदाउट एक्सपो भी आना चाहिए, इसलिए मैंने सीरीज को विदाउट एक्सपो बनाया, ठीक है। यप, सो बहुत सारे एरर आएंगे, तो उसके लिए मैं तुम लोग से पहले से ही माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे एरर प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, कि मैंने साइमल्टेनियसली कोड किया है, उस एरर को ऑन द स्पॉट सॉल्व किया है, और उसके कारण तुम वीडियोस की लेंथ बढ़ी है, ठीक है, एरर्स के कारण बेसिकली, ठीक है। बट एंड एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व किया है, लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, फाइनली प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, ठीक है, यस, तो वो जरूरी है, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे मेरे को कि मैं कैसे रियल लाइफ में कोड किया है, मैंने कहाँ से गूगल किए हैं बहुत सारी चीजें, यस। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में अपन यही सीखने वाले हैं, सो बहुत मजा आएगा तुम लोग को। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और चीज बता दूं मैं वीडियो शुरू होने से पहले और फर्दर कोड करने से पहले, कि इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट है कि तुम लोग को थोड़ा बहुत रिएक्ट के फंडामेंटल्स आने चाहिए, क्योंकि मैं फिर से स्टेट प्रॉप्स ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट यूज करूंगा। तो जिनको नहीं आता तो उनके लिए मेरे पास ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसको तुम लोग देख सकते हो, इसमें मैंने एक्सपो यूज किया, ठीक है, इससे तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, ठीक है। जिनको आता है वो लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, देखना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वही सेम प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक्सप्रेस में भी बनाया हुआ है, रिएक्ट नेटिव ऑथेंटिकेशन यूजिंग फायरबेस। तो ये मेरी वेबसाइट पर रखा हुआ है कोर्स, जिसको ऑथेंटिकेशन समझना है बट बैकएंड में फायरबेस यूज करना है तो वो यूज कर सकता है। तो इसमें भी 5 वीडियोस हैं, फायरबेस बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है, इसमें भी अपन ने ब्यूटीफुल लॉगिन स्क्रीन बनाई है, या तो ये भी है मेरा कोर्स है यहाँ पे वेबसाइट पर रखा हुआ है, जिसको फायरबेस से सीखना है कैसे ऑथेंटिकेशन बनते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अलावा बस हाँ, रिएक्ट करके अगर तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, हुक्स वगैरह, अपन इसमें यूज स्टेट या यूज इफेक्ट हुक यूज करेंगे, क्लास कंपोनेंट अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो या सो इतना ही बताना था मेरे को, तो रिवाइज कर लेना थोड़ा
हुक्स के बारे में, तो रिएक्ट रिक्वायर्ड है राइट, बेसिक रिएक्ट के आने चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रैच से एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है। ओके सो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में।